हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सप्लेन द चेंज इन बैंड विद द टेंपरेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय ड्राइंग अ फिगर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चेंज इन बैंड विद टेंपरेचर, अगर टेंपरेचर का चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में क्या चेंजेस होते, इस क्वेश्चन में हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो यहां पे आप जानते हो ये जो लेवल है ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल, ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल। जीरो केल्विन जब टेम्परेचर होता है तब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर, दैट मींस यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वैलेंस बैंड के बिलो जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे उसमें स्टेडी होंगे। ठीक है, और ये हमने एनर्जी बैंड तो आप जानते हो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो सेकंड डायग्राम है वो सेकंड डायग्राम में जो टेम्परेचर है वो मान लो कि ग्रेटर देन 0 केल्विन लेते हैं, ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे यहां पे वैलेंस बैंड में, यहां पे लिख देते हैं वैलेंस बैंड और ये होंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, जो कंडक्शन बैंड है वहां पे भी ऐसे एनर्जी लेवल्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, इसके अब ये जो कंडक्शन बैंड है उसके अब भी ऐसे एनर्जी लेवल्स होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे उसमें से 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हमने 0 केल्विन से अब टेम्परेचर दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके यहां पे आ जाएंगे। ये तो 0 डिग्री सेल्सियस में एज इट इज रहते हैं, वैलेंस बैंड में ही वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रहते हैं, जैसे ही ग्रेटर टेंपरेचर दैट मींस 0 केल्विन से अब वो टेंपरेचर जब अप्लाई करते हैं तब ये नंबर ऑफ लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन्स है वो माइग्रेट होकर किस में जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो ऐसा बिहेवियर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी तक हम बात कर रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, अभी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कैसे, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा उसी में हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन जब होता है तभी कंडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब अगर ग्रेटर देन 0 केल्विन अगर आप टेम्परेचर उसमें अप्लाई करोगे तभी क्या होगा, कंडक्शन उसमें स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड होती है, टेम्परेचर। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी मस्ट एड द इम्प्योरिटी। अभी एक्सट्रिंसिक का मीनिंग ऐसा है कि बाहर से आपको इम्प्योरिटीज उसमें ऐड करनी पड़ती है, जैसे आप इम्प्योरिटीज ऐड करते हो तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस तरह की एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी सॉरी इंप्योरिटीज ऐड करने के लिए देयर आर टू वेज, फर्स्ट है पेंटावेलेंट, सेकंड है ट्राइवेलेंट। तो पेंटावेलेंट जो इंप्योरिटीज है, पेंटावेलेंसी जिसको भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें वैलेंसी 5 होती है, कौन कौन से है, सेमीकंडक्टर आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फॉस्फरस है, ठीक है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और फॉस्फरस है। आर्सेनिक दैट मींस AS, AB और फॉस्फरस है P। क्लियर, और ट्राइवेलेंस जो है उसमें इंप्योरिटी कौन कौन सी है, तो याद रखो उसमें एल्यूमिनियम है,
मतलब जिसमें प्लस फाइव की वैलेंसी होती है और ट्राई वैलेंस जिसमें प्लस थ्री की वैलेंसी, जिसके लास्ट ऑर्बिट में फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके लास्ट ऑर्बिट में थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसके टोटल दो टाइप्स है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन फॉर नेगेटिव और यहां पे पी है तो पी फॉर पॉजिटिव, ओके। पहले एलिमेंट्री जो सेमीकंडक्टर था उसके लिए जो हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के, तो अगेन एक यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक्सट्रिंसिक है इसलिए बाहर से इंप्यूरिटी ऐड करेंगे। चलो अभी बाहर से इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, यहां कौन सी इंप्यूरिटी, पेंटागन इंप्यूरिटी। चलो पेंटागन इंप्यूरिटी ऐड की, दैट मींस इसकी वैलेंसी कितनी होगी, प्लस फाइव। यहाँ पे मैंने प्लस फाइव है। अभी आप जानते हो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की थी, फोर इलेक्ट्रॉन्स की, और हमारे पास कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, फाइव है। दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। देखो ये फाइव में से कितने यूज हो गए, तो ब्लैक वाले वन टू थ्री फोर यूज हो, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे अभी फ्री रह गया। दैट मींस ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। वैसे ही दूसरा सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे होगा तो और एक इंप्यूरिटी ऐड करोगे तो उसमें से भी ऐसे एक थ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। वैसे ही सेम ऐसे नंबर ऑफ जैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आप वहां पे अगर अप्लाई करोगे और इसमें इंप्यूरिटी ऐड करोगे तो ऐसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगी, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अभी नेगेटिव का फर्स्ट वर्ड क्या है, सॉरी फर्स्ट लेटर क्या है, एन। एन इसलिए यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे, एन इसलिए सेमीकंडक्टर को एन।
एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। आया समझ में? वैसे ही सेम फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहां पे है उसमें याद रखो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक डोनेट करता है, क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर अपने पास से डोनेट करता है, इसलिए इसको डोनर्स बोलते हैं। एन टाइप को क्या बोलते हैं? डोनर्स। ओके, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो पी टाइप का भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। दूसरा यहाँ पे आपको दिया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज करने के लिए जर्मेनियम के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, 0.01 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम के लिए लिख देता हूं मैं यहां पे 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, 0.05। आए समझ में? तो ये दोनों के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और उसमें ऑर्बिटल गैप की जो साइज होती है वो है 0.72। ओके, तो इतने डिजिट्स भी आपको साथ में याद रखने हैं। तो कैसे जनरेट हुआ यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसमें क्या किसकी मेजोरिटी है, तो याद रखो इसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी है, ठीक है, इस ग्रेटर ग्रेटर नंबर ऑफ होल, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि इसमें रिलीज कौन हो रहे हैं, फ्री कौन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स के। वैसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर कंप्लीट करने के बाद जस्ट आपको दिया है बैंड थ्योरी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो चार क्वेश्चन एक साथ में क्लियर हो रहे हैं, और एक है एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी आप जानते हो यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल होता है, ये जो मैं रेड लाइट कर रहा हूं वो वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है, ये कौन सा है, कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड का है, ये वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के बिलो बहुत सारे ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आप जानते हो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड उसके बीच में एनर्जी गैप होता है, इसको ईजी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ईजी। अभी देखो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है इसके बीच में, तो यहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो एक एनर्जी लेवल होता है जिसको डोनर एनर्जी लेवल बोला जाता है, क्या होता है, डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो जैसे 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स के डोनर एनर्जी लेवल्स में होंगे, सीधे ही यहाँ पे जंप होंगे किसमें हो जाएंगे, कंडक्शन एनर्जी लेवल में हो जाएंगे, टोटल ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का ये बैंड डायग्राम है, बैंड थ्योरी है। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर एक्सप्लेन करना हो तो उसमें भी सेम एन टाइप सेमीकंडक्टर के जैसा ही पहले एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा,
ठीक है, अगेन यहाँ पे प्लस फोर वैलेंसी, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी, जिसमें इसमें हमने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड की थी। तो पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर, उसमें हम कौन सा यूज करेंगे? ट्राइवेलेंट, मतलब प्लस थ्री, याद रखो पी में प्लस थ्री और एन में प्लस फाइव, दो कॉन्सेप्ट अगर याद रहेंगे तो एक थ्योरी याद रहेगी। मतलब प्लस थ्री, इसमें वैलेंसी कितनी हो? प्लस थ्री। अभी यहां पे टोटल कंप्लीशन के लिए, ऑर्बिट कंप्लीशन के लिए, इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन की कंप्लीशन के लिए कितने चाहिए? तो वन टू थ्री है, तो यहां पे तो एक खाली रह गया, क्योंकि देखो एक तो ये यहाँ पे डोनेट कर रहा है, ये इसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, ये भी पार्टनरशिप कर रहा है, ये भी पार्टनरशिप कर रहा है, बट इसके पास तो वन टू थ्री ही है, तो एक यहाँ पे खाली रह गया। और खाली स्पेस जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? होल। तो वहाँ पे होल जनरेट होते हैं, ठीक है। अब ये होल जनरेट होते हैं, और होल कैसे होते हैं? होल की पोलैरिटी प्रीवियस थ्योरी में हमने देखी, वो पॉजिटिव पोलैरिटी एक्वायर करते हैं, और पॉजिटिव का पहला लेटर है पी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो इस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट होता है, और इसमें नंबर ऑफ होल्स वो ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दूसरी बात, क्योंकि ये यहाँ पे होल जो है उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। इस इंप्यूरिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोलते हैं, इसको डोनर बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। ओके, उसकी बैंड थ्योरी अगर समझानी हो तो कुछ इस तरह से होगा। इसमें आपका फोकस देखो, यहाँ पे हमने किया ऊपर डोनर का जो एनर्जी लेवल था वहां पे फोकस किया था, अभी यहाँ पे एक्सेप्टर पे कर रहे हैं। तो अपना जो बैलेंस बैंड है उसके जस्ट एबो एक लाइन बनती है जिसको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोला जाता है, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो 0.01 माइनस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तब वो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा यहाँ पे इस लेवल पे आ जाता है, और ये दोनों के बीच में एनर्जी लेवल होता है उसको तो हम एनर्जी गैप बोलते ही है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और इसमें जस्ट बिलो याद रखना है डोनर एनर्जी लेवल्स। ओके, तो इसमें टोटल चार थ्योरी, बैंड टाइप सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेन करो, उसकी बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करो, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेन करो, उसकी बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करो। या तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एन टाइप और पी टाइप वो तो सेपरेट पूछे जा सकते, तो दो क्वेश्चन हो गए, और ए दोनों को मर्ज करो, बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करो फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो आज हमने पी टाइप और एन टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, और ये जो मतलब अगर एन टाइप और पी टाइप आपको समझ में आ गए, ठीक है, तो इससे आपको अगर के आगे के जो पी एन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन है वो अच्छे से बेटा समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।